इस समय हम पहुंचे हैं घोसी विधानसभा में। यहां पर चुनाव बहुत दिलचस्प है। जिस तरह से राजभर ने वहां पर विद्रोह किया, उसके ठीक एक दिन बाद दारा सिंह चौहान, जो लोनिया जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति है और काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं इस समाज के, उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर अखिलेश का दामन पकड़ा, समाजवादी का पकड़ा, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। यहाँ से भाजपा ने राजभर को अपना एक कैंडिडेट बनाया है, जो सिटिंग विधायक हैं यहाँ पर। इससे पहले भी भाजपा के जो यहाँ से विधायक थे, वह बिहार के राज्यपाल बनाए गए। बहुत दिलचस्प समीकरण इस पूरी विधानसभा में है, क्योंकि जिस तरह से 2017 में पिछड़ों का वोट लेकर भाजपा सत्ता के पास पहुंची थी, उसमें जो दरार पड़ी, उसमें दूसरी दरार यहाँ के नाम पर पड़ी है। यहाँ के अन्य जो तमाम पॉलिटिकल हस्तियाँ हैं, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वह यहाँ एक जगह जमा हैं और हम उनसे बात करने जा रहे हैं, देखने के लिए कि मुद्दा क्या है। हमने देखा कि इस पूरे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर आवारा पशु, नौकरी, महंगाई एक मुद्दा है। सवाल ये है कि घोसी विधानसभा, जहाँ पर एक ज़माने में वाम का भी हस्तक्षेप बहुत तगड़ा होता था, आज मुद्दे क्या हैं? यहाँ जो जातिगत समीकरण हुआ है, दारा सिंह चौहान ने भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी गठबंधन का दामन थामा है, तो उससे जो समीकरण बने हैं वो कैसे देखते हैं आप? तो यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत चलने वाला नहीं है, और जाति का जितना भी जोड़ घटाना लोग लगा लें, लेकिन इस दौर का जो नौजवान है वो जानता है कि किसी भी बड़ी संख्या में शून्य से गुणा कर दीजिए तो उसका मान जीरो हो जाता है। तो भाजपा भी लगा रही है, सपा भी लगा रही है, और जो समाजवादी पार्टी में अभी पाला बदल करके आए हैं मधुबन विधानसभा से, उन्होंने विधानसभा क्षेत्र भी बदला है, दल भी बदला है, तो आए हैं समाजवादी पार्टी से, वो जातिगत समीकरण को ही ध्यान में रख करके आए हैं। ये बताएं कि सबसे बड़ा आरोप जो समाजवादी पार्टी पर है कि वो परिवारवाद चलाती है, जब वो आ जाती है तो बड़ी अराजकता होती है, दंगे होते हैं और प्रशासन हाथ से चला जाता है, ये आपको भी सुनने को मिल रहा है? आप देख सकते हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी में वर्तमान में टिकट दिया गया है, कहीं भी किसी तरह का जात और समीकरण के हिसाब से नहीं दिया गया है। जो व्यक्ति जिस हिसाब से था, उस हिसाब से टिकट दिया गया है, कहीं भी जातवाद का यहाँ पे कोई नाम नहीं। भाजपा छोड़ छोड़ के आए, अगले दिन आपके पास आए और आपने टिकट दे दिया उनको? जी, भाजपा ने जिस तरह से पिछड़ों को जो है एक झूठे वादे के हिसाब से अपने में मिलाया था कि हम पिछड़ों को सम्मान देंगे, पिछड़ों को जो है उनको अधिकार देंगे, जब पिछड़ों को लगा कि भाजपा हमको सम्मान देगी, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाजपा को वोट दिया था, लेकिन अंततः उनको लगा कि नहीं, भाजपा सिर्फ उनसे छलावा कर रही है पिछड़ों के नाम। छलावा करना उनको 5 साल मलाई काटने के बाद समझ आया? नहीं, वो जिस तरह से उनका एक कार्यकाल था डराने का, तो हर आदमी कहीं ना कहीं एक अपने उसमें रहता है कि भाई समय आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। देखिए, आवारा पशु कोई पार्टी ला के नहीं छोड़ी, आवारा पशुओं को लोग जानबूझ के रोडों पे ला के छोड़ रहे हैं। पहले ही आखिर ये भी आवारा पशु हुआ करती थी, लोग घर में बांधते थे। योगी जी ने कानून बदला ना, बदला तो उन्होंने, योगी जी ने कानून इसलिए बदला कि पशु को पालने के लिए बनाया गया, लेकिन पहले लोग पशुओं को काट डालते। कितने पशु पालते हैं आप? मेरे यहाँ जगह नहीं, जगह होने के अभाव ना होने की वजह से मैं पशु नहीं पाला जाता। क्या नाम है आपका? और अभी हमने आपको देखा कि आप जानवर को भगा रहे थे खेत। संतोष यादव नाम है जी। गेहूं में चल रहा है तो हाँकना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या बचेगा उसमें। तो क्या ये रोज करना पड़ रहा है? रात में भी 12-1 बजे रात तक हाँकते हैं, फिर भोर में 4 बजे उठ कर फिर हाँकते हैं। क्या पूरे समय यही रहते हैं आप? अब क्या करें, यहीं पे रहते हैं और क्या करेंगे, अंडर नहीं रहते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे चरते हैं सब अपने हिसाब से। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि किसान आलसी हो गया है, पहले जानवर पाल लेता था अब आलसी हो गया, ऐसा है क्या? महंगाई है, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, नहीं, आलसी कोई नहीं है, अगर कोई आलसी रहता तो खेती नहीं करता, गाय को कोई खेती करता है, खेती में मेहनत नहीं लगती है, रहता इतना तो गाय को भी खिलाता, इंसान को भी खिलाता, जब खाने का है नहीं तो गाय कहाँ से खिलाएगा आदमी, पहले पेट भरेगा पहले गाय खिलाएगा। मरत ही ना, हमारे खेती ना बदारी ना पढ़ल ना लिखत, यही रोजगार से भवनपुर घर, तनी तनी जगह बाहे, तनी आलम कैसे रही हूँ, यही से सड़क पर जी खाते जे एक सड़क है कान है जे आप सब लोग कोई हमन के साहब ना खाल जाई ना ना मेरे तो पास कर देहात में बांस मिलत रहल ह 100 रुपया का मिलत रहल वही में शादी ब्याह सब देख अब तक टाल पर से साहब 150 रुपया का 10 फुट का बांस ली अब तो बानी तब वही 10 फुट
10 फुट बसवा में हई बचवन कैसे जी कि शादी ब्याह कर कि इज्जत भरो देख गाड़ी मोटर लड़ जा के वो खोज कर हमन के ना जगह ना जमीन ना खेती ना बाड़ी ना पढ़ल ना लिखल बा रे कमा ली जा 150 कमा ली जा चर चर को पच पच को लड़का वही में तो राज हमन के 1 रुपया ना बच्चे ला साहब। हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे तो स्कूल बंद रहा एगो वे लड़का पढ़े ला बस 5 गो हम खाए वाला कुल हूँ सर एक 4 दिन स्कूल खुल रही तो 10 दिन ना खुल रही ये बात तो। क्या नाम है आपका? लीला। हाँ कितना पैसा आपको मिल जाता है डोरी वोरी बनाने से? सब ना मिल पाला खोई भर के होला लड़का हम सब खोई वाला बहु लोग झोपड़ी में लेके पानी जका कर जा घर नहीं है। अरे है साहब रही के का करे का थोड़े रही है लड़का रोड पर तो है जा साहब चल के मरई देख ले वही स्थिति में पलत है जा। इसको योजना में घर भर नहीं मिला कुछ नहीं मिला? अरे साहब मतलब केहू के में ना मिलल हमन के घर दुआर वो वोट देती हैं आप लोग? वोट दिया ला वोट किया रहे। किसका नाम सुनिए आप लोग ज्यादा? अरे नहीं का ना। हाँ सर नहीं 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 आप लोग किसका सुनी है आप बताइए? फागू बाबू का। फागू का उन्हें के में साहब इतनी से जमीन रहते एक को कोठरी बनल 6000 रुपए उन्होंने यूपी के किसानों को दे दिया छोटे वाले को। मैं बता रहा हूँ 6000 दिया एक साल में 6000 रुपए दिया और वहाँ पे आप देखिए उनसे वसूल कैसे रहा है। 1000 बोरी पे रेट बढ़ा दिया खाद की बोरी पे वो उनसे वसूल लिया। सिंचाई पे बिजली का रेट 3 गुना करके पैसा वसूल लिया। महंगाई बिजली खाद पानी सब कुछ पे दवाई पे वो रेट बढ़ा करके 6000 के बदले 12000 वसूल ले रहे हैं। आपका मानना है कि मुद्दा है किसानी पूरी तरीके से घाटे में आज भी जा रही है। किसान अगर अपने खेत में 5000 लगा रहा है तो 4000 रुपए की खेती कर रहा है तो 6000 तो वो कवर कर रहा है वो कहीं से उसको मिल उल नहीं रहा है। ये मुद्दा रहेगा चुनाव में पूरी तरीके से किसान आंदोलन बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी को हरा करके यूपी में बताएगी कि किसान कितना मजबूत है। आपको पता है ना किसान हमेशा से इस भारत में पशु पालता रहा है तो जो किसान पालता रहा उसको बाकी जो नहीं पालता वो कैसे सिखाएगा? जी मैं बताता हूँ बिल्कुल। यदि किसानों को नुकसान हुआ रहता तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कोरोना की आपदा में हर गरीबों को फ्री में मुफ्त राशन कहाँ से देती? इतना अधिक एक महीने में दो दो बार राशन इतना अधिक राशन कहाँ से आता? यानी बस ये विपक्ष का एक मुद्दा रहा कि किसानों का कहना है सारे किसान विपक्ष के साथ चले गए। किसान नहीं किसान का नहीं मुद्दा है विपक्ष का मुद्दा नहीं, है नहीं हम तो अभी गांव गांव होके आ रहे हैं। हर गांव में हर किसान जो आपके साथ भी खड़ा है वो भी रो रहा है और शायद आप भूल गए मैं आपको याद दिला दूं उत्तर प्रदेश में अभी 5वें चरण से पहले मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अब हम दोबारा सरकार में आएंगे तो आवारा पशु पे कुछ काम करेंगे। आपने भाषण सुना था नहीं सुना? बिल्कुल सुना था मैंने। आपको लगा मोदी जी गलत थे? मैं बोल तो रहा हूँ कि आवारा पशु जो उस पर नियंत्रण किया गया सरकार ने 1500 रुपए इस पे दिया कि यदि आप पशु पालते हैं तो आपको 1500 रुपए उसको यानी किसान नकारा है समझ नहीं पाया। किसान अब अपनी अपनी सोच है। अभी पश्चिम में किसान आंदोलन दिल्ली के पास चल रहा था लेकिन उसका असर आपको कलकत्ता में भी देखने को मिला। कलकत्ता से हम लोग बीजेपी को पूरी तरीके से खदेड़ दिए तो आपको नजर तो आ रहा है। पूरी तरीके से यहाँ के लोग भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे बिहार तक के लोग और केरल से भी एक टीम आई हुई थी एक धड़ी तो लगभग पूरा देश जुड़ा हुआ था किसान आंदोलन से। ये गलत बात है कि यहाँ के लोग नहीं जुड़े हुए थे सारे लोग जुड़े हुए थे। मेरा नाम फखरे आलम है और मैं प्राइमरी का शिक्षक हूँ और मैं बस अपने संगठन और अपने कर्मचारी शिक्षक का जो मांग है उसके बारे में ही बात कर सकता हूँ। और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इस वक्त ओपीएस के लिए आंदोलन चल रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि इस चुनाव के नतीजे आने से पहले ही इस मुद्दे पे हम लोगों ने बड़ी जीत हासिल की है। और जीत हासिल की है जैसे राजस्थान में ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू हुआ है तो ये हम लोगों की एक बड़ी जीत है। तो ये एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम है जबकि हम ओल्ड पेंशन सिस्टम चाहते हैं जहाँ पर स्कीम जो है सरकारों के साथ बदलती रहती है तब्दील होती रहेगी लेकिन जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है वो एक सिस्टम है जो सरकारों के आने जाने से नहीं बदलेगी। इसलिए बताइए कि क्या ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है
क्योंकि सरकारों का दावा यह है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा मार्केट से जुड़ी हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग थोड़ा पिछड़ा सोच वाले हैं, मोदी जी की बात विजन समझ नहीं पा रहे? देखिए, अगर ये पिछड़ी सोच है तो जब यह बात जब मुकदमा अदालत में गया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो गवर्नमेंट ने एक निकाल दिया फार्मूला कि जो जजेस हैं वो चाहें जो चाहे तो वो न्यू पेंशन स्कीम मतलब ऑप्ट कर सकता है, या जो चाहे तो ओल्ड पेंशन सिस्टम को ऑप्ट कर सकता है। तो अगर ओल्ड पेंशन सिस्टम के मुकाबले न्यू पेंशन स्कीम ज़्यादा मॉडर्न है तो यह ऑप्शन देने की क्या ज़रूरत थी जजों को? और सबसे बड़ा मुद्दा तो कर्मचारियों का पुरानी पेंशन है, कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। नई पेंशन जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और जैसे उसको शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है नई पेंशन को, तो हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जैसे नेताओं को दिया जा रहा है, मंत्रियों को दिया जा रहा है, उसी तरह से पुरानी पेंशन को फिर से दोबारा लागू किया जाए, जैसा कि बाकी सरकारों ने धीरे धीरे अब लागू करना शुरू किया है, जैसे राजस्थान सरकार ने लागू किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी ये पुरानी पेंशन लागू हो। कि ये जो मुद्दा है ये चुनाव में कोई इम्पोर्टेंट रहा है? आप देख लीजिए कि जो पोस्टल बैलेट इस बार डाले गए हैं कर्मचारियों की ओर से, शिक्षकों की ओर से, जो उसमें जंप आया है पिछले चुनावों के मुकाबले जितना ज़्यादा इस बार हुआ है, यही आपको बता देगा कि ये कितना असरदार है। और बहुत से जो फैमिली के मतलब सिर्फ ये तो पोस्टल वो जो कर्मचारी है वो डाल रहा है, लेकिन अभी उनकी फैमिली है और फैमिली के साथ उनके दोस्त अहबाब ऐसे लोग भी हैं जो अपने दोस्तों के लिए भी इस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है। इसके पहले जो अखिलेश गवर्नमेंट थी इसी मुद्दे पे जो गई भी, आज जो है ओपीएस जो है लागू किया है, इसी मुद्दे पे जो है कर्मचारी पूरे जी जान के साथ हैं, लगे हुए हैं, हर कर्मचारी के घर के लोग, दोस्त मित्र सभी लोग लगे हुए हैं। इतना बैलेट पेपर में कभी वोट शायद पड़ा नहीं होगा। सरकार का ये कहना है कि उसका खर्चा बहुत बढ़ता जा रहा है, वित्तीय ढांचा बहुत बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि पहले से भी तो खर्चा था, कि आज ही बढ़ गया खर्चा। वो कह रहे हैं कि भाई कर्मचारी काम भी तो कम करते हैं, प्राइवेट वाले तो बिना पेंशन के काम करते हैं। हाँ तो प्राइवेट सभी कर दें, कर ही तो रहे हैं, तो कर रहे हैं तो ठीक है करें। ये बताइए, आप बताइए हमको कि अभी सरकारी स्कूल में बच्चा 10 रुपए फीस नहीं दे पा रहा है, वो प्राइवेट में 2000 फीस दे पाएगा? कोई चिकित्सक जाता है प्राइवेट में जाइए, मैं उसमें 500 रुपया फीस है उसकी। यहाँ तो 10 रुपये की पर्ची कटा रहा है, 2 रुपये की पर्ची कटा रहा है, 500 में तो एक हफ्ते की दवा ले लेगा वो। तो ठीक है करें, उनकी सरकार है, उनकी बनेगी, उनका जो मन होगा वो करेंगे। लेकिन आप बताइए कि सरकारी आज तक सरकारी बैंक, सरकारी हर चीज, सरकारी रेलवे, और आप प्राइवेट कर रहे हैं, तो जनता कहाँ जाएगी? ये जनता तो राशन में डूबी हुई है, इसको सब समझ में आएगा, इसके लड़के नहीं पढ़ पाएंगे। वो व्यवस्था करिए, मेरा बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो चाहे जनता का बच्चा, पढ़ने में ठीक है तो सरकारी स्कूल में व्यवस्था उसकी करिए। मोदी जी का कहना है कि भाई राष्ट्रहित में भी तो लोगों को काम करना चाहिए, पूरे समय आपको सरकारी नौकरी मिलती है, आपका हर कमीशन जब आता है तो अपग्रेड हो जाती है सैलरी, प्राइवेट वाला तो उतने में काम करता है, तो पेंशन इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा क्यों है? और वो तो शेयर से जोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि सरकारी कर्मचारी तो अपने पूरे मनोयोग से काम करते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो कोरोना काल है इसमें सरकारी कर्मचारियों ने मेहनत किया, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने, और अपने जान पर खेल कर भी लोगों की सेवा की। कर्मचारी हमेशा करते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं करते हैं तो उनके ऊपर वो नियंत्रण करें। और जो मेरे ख्याल से लगता है कि जो शेयर बाजार है ये सब वो पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने उससे हट रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं अपने। जो लगता है कि ये मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन में, जबरदस्त मुद्दा रहेगा और ये परिवर्तन होगा। लेकिन एक बार बताइए कि जब किसान आंदोलन करते हैं तब तो कर्मचारी नहीं आते, जब कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो किसान नहीं आते, सब लोग तो अलग ही अलग आंदोलन करते हैं। ऐसी बात नहीं है, लोग एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं लेकिन सामने नहीं आते हैं। परिवार दोस्त सब लोग मिलकर ओपीएस के लिए वोट करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। चुनाव तो इस बात का भी है कि आप सत्ता में कितना पहुंचने की गुंजाइश रखते हैं, क्या समीकरण आपके पास है, क्या ये बेहतर नहीं रहता? कई लोग बोल रहे हैं कि तमाम लोग मिल जाते, विपक्ष मिल जाता, विपक्ष का वोट बटा हुआ है, इससे फायदा भाजपा को है। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने एजेंडा लेके आए हैं, जनता बखूबी उस एजेंडे को समझ रही है। हमने बेरोजगारी के बारे में बात किया है, नौकरी के बारे में बात किया है, हमने महंगाई के बारे में बात किया है, हमने डीजल पेट्रोल और जो संस्थाओं में टैक्स लगे हैं उस पर बात, यही मुद्दे तो समाजवादी के भी हैं। ये मुद्दे मेरे हैं, हम लोगों ने जो हम लोगों ने कहा कि 5 लाख नहीं अब 10 लाख रुपये तक हम उनके गंभीर बीमारियों में हम देंगे। हमारे मुद्दे बच्चों का, जो हम लोग, हमारे ही पहले इशू था कि इंटर के बच्चों को हम
एंड्रॉइड मोबाइल देंगे। एक बहुत सीधा सवाल नहीं, एक चीज़ सीधा सवाल एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हमने ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को स्कूटी देने की बात की, हम लोग भड़का नहीं रहे हैं, हम लोग उनकी मजबूरियों को देखकर दिया। दीदी जब मैदान में चल रही थी तो बच्चों ने कहा कि लॉकडाउन में हम लोग जो है पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, जो ऑनलाइन पढ़ाई थी उनकी मजबूरियों में उन्होंने निर्णय लिया। जो बच्चियों के साथ ये भाजपा सरकार में जगह जगह बलात्कार हो रहा था, जगह जगह विरोध हुआ है, इस भाजपा सरकार में एक नई तकनीक निकली, जो बलात्कारी थे उसको इनाम देती थी सरकार, और जो पीड़ित पक्ष था उसको जेल के अंदर हड़का कर धमका कर उस परिवार को जेल में डाला जाता था। ये नीति बीजेपी की हमेशा रही है, चाहे वो उन्नाव कांड देखिए, हाथरस का कांड देखिए, चाहे आप कहीं भी देखेंगे ये भाजपा। जैसा कि आप देख रही हैं कि प्रियंका गांधी यानी कि हमारी जो प्रियंका दीदी हैं वो बहुत ही जोरों शोर से महिलाओं को आगे ला रही हैं। क्यों ला रही हैं? क्योंकि किसी भी पार्टी में अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, और वो इसलिए कि महिलाएँ पुरुषों से बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं और करके दिखा भी रही हैं। तो यही प्रियंका दीदी की कोशिश है कि औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को अच्छे तरह से आगे आना चाहिए और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए जी। और विपक्ष के वोट बटे ना होते तो शायद भाजपा के लिए चुनौती बेहतर होती या नहीं होती? विपक्ष के वोट कौन कहता है बटा है? अगर ये बटने की बात होती तो आज बीजेपी की लीडरशिप जो होती आज अपने घर आराम से होती कि मेरी सरकार बन रही है। आज मोदी और योगी जी की बेचैनी बता रही है। यहाँ जो है होर्डिंग जो है जिला अध्यक्ष जो है कलर बदल रहे हैं, बदलना शुरू कर दिए हैं। अधिकारी बड़े बड़े मौसम ये जो है मौसम वैज्ञानिक होते हैं, समझ में आ गया कि सरकार इनकी अब जाने वाली है 10 तारीख को। और ये विपक्ष का रोल रहा है, चाहे कांग्रेस ने जितनी मेहनत की है, जनता ने समझा है, तब ये परिवर्तन की आशाएँ जगी हैं और सरकार जा रही है। इनकी क्या नौकरी का मुद्दा है, जैसे आवारा पशु का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तो क्या ये आपको जमीन पर झेलना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं झेलना पड़ रहा है। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, नौजवानों को रोजगार दिए हैं वो भी बिना किसी घूस के। तो आपको लगता है कि जो सब नौजवान बाहर निकला हुआ था, जो आपका ही वोटर था जिसके ऊपर लाठी चलाई गई, तो वो सब क्या बौरा गए थे? बौरा नहीं गए थे, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनकी लड़ाई योगी जी लाठी चलवाए और ऐसे बर्बर ढंग से मारे। जो देश के कानून को हाथ मिलेगा उसके साथ कार्रवाई होगी। आगे भी योगी जी ने करके दिखाया है, बुलडोजर फिर नया मंगवाया है, अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसके साथ रहने वाले व्यक्ति जो न्याय जो कानून को हाथ में लेगा। मोदी जी ने कुछ गलती कर दी आवारा पशु की बात कह के? क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा था तो क्यों भाषण में आवारा पशु? मोदी जी ने गलती नहीं की, पशु हमारे और आपके बीच के हम लोग रखने वाले लोग सड़क पर छोड़े हैं, मोदी जी या मोदी जी के कार्यकर्ता नहीं छोड़े हैं। नहीं, मोदी जी ने कहा ना, नहीं मैं आपकी बात व्यवस्था भी नहीं मोदी जी ने कहा कि आवारा पशु एक समस्या है जिसे अगले 5 साल में अगर सरकार में आएंगे तो ठीक करेंगे। भाषण तो आपने सुना ही होगा मुझसे ज्यादा। हाँ सर, एकदम सुने हैं। मोदी जी ने कहा कि जो पशु आवारा पशु जो बचे हैं जिसकी व्यवस्था अभी तक हम नहीं दे पाए उसको भी ठीक करके सही दिशा में ले जाने का काम। आवारा पशु तो उन्होंने भी माना ना कि समस्या, आप तो मान ही नहीं रहे समस्या है। नहीं, हम तो मान रहे हैं लेकिन उतना नहीं हमारे यहाँ है जितना चर्चा है। और एक चीज ये बताइए कि जो उन्होंने कोशिश की तो कुछ जगहों पे तो खबरें बनी सामने आया, लेकिन बड़े पैमाने पे जो वोटर को आकर्षित करने वाला मुद्दा है उसके लिए कांग्रेस का ढांचा, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहूंगी, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, रैलियों को छोड़कर। जब तक आप दिखाएंगे नहीं, आप मीडिया दिखाएंगे नहीं, वो हमारा रहे हैं, मतलब हमारा काम तो देखे। अभी आपने देखा कि हमारे राजस्थान में पेंशन बहाली का वो आया है मुद्दा, लेकिन कहीं भी नहीं है। अभी वो पेट्रोल क्या कौन सा भी 6 रुपए बढ़ा हुआ है और उसको कहीं नहीं दिखाया गया है। आम जनता एकदम कंफ्यूज है कि भाई ये चीजें हो, महंगाई आ कहां से रही है। तो जब तक आप सच नहीं दिखाएंगे वो दिखेगा नहीं जी। मेरा नाम ऋषि कपूर गुप्ता है, मैं ग्राम नदवाला घोसी विधानसभा कराने वाला हूं और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। ये बताए कि बहुजन समाज पार्टी लंबे समय तक चुप रही और जब एक्टिव हुई तो अमित शाह जी पहले गृह मंत्री हैं जिनको पहली पार्टी पसंद आई, वो उन्होंने मायावती जी की तारीफ की, मायावती जी ने अमित शाह जी की तारीफ की, तो ये जो घालमेल है ये कैसा घालमेल है जी? देखिए, ये तो ऊपर की राजनीति है, राजनीति के तौर पे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अमित शाह जी ने अगर मायावती जी का तारीफ किया तो मायावती जी के शासनकाल में
2007 से 2012 के बीच में जितना बढ़िया शासनकाल चला था, आज तक किसी के सरकार में उतना बढ़िया शासनकाल नहीं चला। नहीं क्या मिलीजुली सरकार की तैयारी है? नहीं, ऐसी कुछ बातें नहीं है। ये लोग आपस में चुनावी मुद्दे के तौर पर आंकड़ा लगा रहे हैं, एक बढ़ावा दे रहे हैं कि मतलब बहुजन समाज कौन देगा भाई। अमित शाह से बड़ा कोई लीडर नहीं है, मायावती जी से बड़ा कोई लीडर नहीं, दोनों ही तो बोल रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुनावी मैटर को लेकर लोग बोल रहे हैं, मगर आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लोग विकास पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे वोट करना चाहते हैं। दुश्मन नंबर वन कौन है, योगी जी है या समाजवादी पार्टी है? दोनों है, ये दोनों है, दोनों गरीबों को बालाना, जातिवाद की राजनीति। कांग्रेस भी दुश्मन है? कांग्रेस तो सत्ता में बहुत दिनों से ही नहीं, तो कांग्रेस के बारे में क्या कहना हमको। ठीक है, मगर ये दोनों पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां जातिवाद की राजनीति करती हैं। क्या नाम है आपका और किस मुद्दे पे आप काम करते हैं? मैं ब्रिकेश यादव, और जो सरकारी संस्थाएं हैं जिनको तेजी से निजी हाथों में बेचा जा रहा है, तो यह संविधान के खिलाफ, क्योंकि संविधान ये चाहता है कि प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जिंदगी गारंटी दी जाए, और ये तभी संभव है जब सरकार उनके सरकारी नौकरी की, पेंशन की, हेल्थ की और पूरी शिक्षा की गारंटी ले। तो बिना सरकारी उपक्रमों के रहते ये हो ही नहीं सकता। आपका कहना है मोदी जी जैसे बेच रहे हैं तो वो मोदी जी को नहीं बेच रहे हैं, ये विश्व बैंक द्वारा जो निर्देशित आर्थिक नीतियां हैं, ये जो आर्थिक सुधार जिनको कहा जा रहा है, ये कांग्रेस ने शुरू किया था इसको 1990 से, जो नई आर्थिक वही चल रही है। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी भी कांग्रेस की लाइन पे चल रहे हैं? आर्थिक नीतियां कमोबेश एक ही है, और अगर इन नीतियों को उल्टा नहीं किया जाएगा, मतलब कि फिर से इनका नोटा पे दबाया जाए। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल जो तलवार गर्दन पर लटकी हुई है, एक तो यह फासिज्म वाली भी सरकार है, सांप्रदायिक सरकार भी है, और यह बहुत तेजी से निजीकरण कर रही है। जो मनमोहन सिंह कर रहे थे उसको इसने फुल स्पीड पकड़ा दिया है, तो इसके खिलाफ एक जन विक्षोभ उभरेगा, और जो कर्मचारियों की आप लड़ाई देख रही है यह उसी का एक संकेत है। और आने वाले समयों में जो करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी नौसिखियों से बाहर निकल रहे हैं, वो सरकारी करके लड़ाई को और तेज करेंगे। इसलिए हमारा नारा है कि प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी की गारंटी का संघर्ष सड़कों से संसद तक करो। ये जो आवाजें आपने सुनी घोसी विधानसभा की, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, काम करने वाले लोग, बासफोर समाज के लोग, ये तमाम लोग हमारी राजनीति के जो अलग अलग रंग हैं, अलग अलग सवाल हैं, उनको बहुत शिद्दत के साथ रख रहे हैं। और सबसे अहम सवाल जो उठकर सामने आ रहा है, उन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। सरकार किसी की भी आए, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का हो, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सोच रहे हैं कि उनके हक पर डाका डाला जा रहा है, इस बार वे सोच रहे हैं कि उनके हक पर उसी तरह से डाका डाला जा रहा है जैसे किसानों पर डाला गया, छात्रों पर डाला गया या बाकी श्रमजीवी समाज पर डाला गया। और जैसा बासफोर समाज की महिलाओं ने कहा कि उनको कुछ नहीं मिलता, कोई भी सरकार आए उनकी जगह वही है, वही वंचना, वही छुआछूत, वही उपेक्षा। ये जो सवाल हैं, यह कब राजनीतिक रूप से हल होंगे, शायद उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव कम से कम कुछ मुद्दों पर बहुत केंद्रित है, चाहे वो नौकरी हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, या फिर जिस तरह से हकों की बंटवारी की है आवारा पशुओं ने, वो सवाल हो।